स्वागत है एक न्यू वीडियो में, आपको वेलकम करते हैं। मेरा नाम है सात सरवा खान और आप देख रहे हैं सात सरवा खान यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं, वेरीफाई करने का क्या तरीकाकार है। अगर आपका यूट्यूब का चैनल वेरीफाई नहीं होगा तो आपको ये चार फीचर आपके चैनल पर अनेबल नहीं होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर सकते। सेकेंड, आप अपने चैनल की वीडियोज़ पर कस्टम थंबनेल को ऐड नहीं कर सकते। कस्टम थंबनेल से मुराद कि अगर आप अपनी वीडियो में कोई अपनी तरफ से थंबनेल को ऐड करना चाहते हैं तो वो आप ऐड नहीं कर सकते। थर्ड, आप लंबी वीडियोस को अपलोड नहीं कर सकते 15 मिनट से ऊपर की। इसके बाद जो फोर्थ है वो ये है कि आप कंटेंट एड से अपील नहीं कर सकते। यूं ही आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपको ये चार फीचर आपके चैनल पर अनेबल हो जाएंगे। और जो ही आपका YouTube का चैनल वेरीफाई हो जाता है, आपके चैनल पर ब्लू सा टिक आ जाता है जिससे आपका चैनल प्रोफेशनल सी लुक देता है। और आपने वीडियो को गौर से देखने और समझने की कोशिश करनी है क्योंकि चैनल बार बार वेरीफाई नहीं होते। और आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। और अगर आप चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि आप देख सकते हैं हम मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। अगर आप मोबाइल के अलावा लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करें दोनों के लिए आपको सेम ही करना है। अगर आप मोबाइल यूज़ करें तो आपको तीन डॉट दिखाई देंगे। न्यू टैब पे आपको क्लिक कर देना है, अगेन तीन डॉट पर क्लिक करके आपको इसे डेस्कटॉप साइड पर अनेबल करना है। इधर आपको यूट्यूब सर्च करके यूट्यूब पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको वैसा डिस्प्ले देखने को मिलेगा जैसा आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखने को मिलता है। आपको कॉर्नर पे अपने चैनल पर क्लिक करना है। अगर आपका चैनल लॉगिन है तो ठीक है, अगर लॉगिन नहीं है तो आपने पहले लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको उसके लोगो पर क्लिक करना है। लोगो पर क्लिक करने के बाद इधर आपको यूट्यूब स्टूडियो दिखाई देगा, आपको यूट्यूब स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। देन आपको आपके चैनल का डैशबोर्ड दिखाई देगा। नीचे आपको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, नीचे आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये देखिए ये छोटा सा सेटिंग का आइकन आपको दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। इधर आपको चैनल के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, चैनल में आपको चले जाना है। और देन आपको इधर फीचर एलिजिबिलिटी का दिखाई दे रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और इधर फर्स्ट ऑफ ऑल वो कह रहा है डिफ़ॉल्ट फीचर, ये तो अनेबल हो गया। और जो नीचे है चैनल को वेरीफाई करने के लिए आपको फीचर डेट रिक्वायर फोन वेरीफिकेशन, इधर ये एलिजिबल है लेकिन ये अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ, तो आपको इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है। और इधर आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है। इधर वो कह रहा है कि अगर आपका चैनल वेरीफाई नहीं होगा तो ये जो चार फीचर हैं आपको नहीं मिलेंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। आपको वेरीफाई फ़ोन नंबर पर क्लिक करना है और इसके बाद ये परमिशन मांगेगा, आपने परमिशन देना है। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो अगेन परमिशन मांग रहे हैं। और इधर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना कंट्री चूज़ करना है, आपको जो भी कंट्री है इधर आपको ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना है और आपको अपना कंट्री चूज़ कर लेना है। ओके हो गया। और देन आपको इधर टेक्स्ट मी द वेरिफिकेशन, वो आपको कोड भेजेंगे, आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है ताकि आपको मैसेज आ सके। इसके बाद आपको इधर वो फ़ोन नंबर लिखना है जिस पर आप वेरीफाई करना चाह रहे हैं। ओके, वो फ़ोन नंबर जो है ना ऑन हो, ऑफ ना हो, ताकि कोड आ सके और आप वो कोड इधर लिख सकें। मैं इधर फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ, ओके। फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपको इधर सबमिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपने सबमिट पर क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे वो आपको एक कोड भेजेंगे, वही कोड आपको इधर पेस्ट करना है, लिखना है जो भी वो कोड होगा। ओके, तो अभी कोड नहीं आया, कोड आ गया। ओके, 27 34 23, यही कोड इधर मैं लिख देता हूँ, 27 34 23। ओके, हम फिर भी देख लेते हैं कि कोड यही है या हाँ 27 34 23। ओके, यही है। ओके, इसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे वो आपका जो चैनल है वो वेरीफाई हो जाएगा। सो फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि हमारा चैनल वेरीफाई हो चुका है या नहीं। कन्फर्म करने के लिए अब मैंने ये चैनल का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। इसके बाद मैं इस साइड सेटिंग के आइकन पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं चैनल में जाता हूँ, फीचर एलिजिबिलिटी,
और इधर आप देख सकते हैं कि इधर अनेबल का ऑप्शन आ चुका है, इधर पहले आपको एलिजिबल का ऑप्शन दिखाई दे रहा था। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।